अस्सलाम वालेकुम। एक अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है आप सब टाइट होंगे। यार नबीले, वापसी पर हम गलत स्टेशन पर उतर गए और टोरी बनने के चक्कर में हमने दोबारा मेट्रो नहीं की बल्कि हम पैदल फ्लैट की तरफ निकल पड़े। लेकिन जब आपकी किस्मत ख़राब चल रही हो तो गूगल मैप्स भी आपको गलत रास्ता ही बताता है। एसी बंद कर यार, नबील के 500 रुपए लग रहे हैं। सबसे अच्छा खाना कहाँ से मिलता है? हाँ ठीक है, फिर वहाँ से खाएंगे ही नहीं ना। अगर इस समय कह दे अच्छा मैं आ रहा हूँ, फिर आप कुछ करते हैं गाड़ी पे चल के, फिर तो हम कहेंगे ठीक है ओके ओके करो। चल फोन कर दो उसे, फोन कर। जैकेट पहन के तू अच्छा नहीं लग रहा, ठंड से बच रहे। तो एसी बंद करना पीछे, एसी भी चलाया, एसी भी चलेगा, एसी चलेगा तो ठंड से बचूंगा। और इतनी देर में अली भाई ने कॉल पिक कर ली। इर्द गिर्द था, हाँ जी खाना खाना है तो इर्द गिर्द सबसे अच्छा खाना कहाँ से मिलता है? खाना तो बिल्कुल आपके सामने। अब हम अली भाई को ये बात कैसे बताते कि नबील साहब ने सामने से खाना खाने से साफ इनकार कर दिया था और हम लोग मुश्तरका खाना खाने के कायल हैं। जी तो अब हमें खबर मिली है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह से अपार्टमेंट मिल जाएगा रोजी शान का, वो तैयार होने चला गया है। तो अभी ये हमारे कमरे की हालत है जिसे हमने पैक करना है वापसी। हालत को पैक करना है, कमरे को पैक करना, हालत को पैक करना है पहले। अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है आप सब टाइट होंगे। आज आज ये पहला टूर है जो मैं जिसमें मेरे पास घड़ी नहीं है, तो टाइम मैं नहीं बता सकता क्या हो रहा है। 12:45 नहीं हो फिलहाल, क्योंकि 12:45 में हमने पहुंचना है नस्ट, और फिलहाल 10:15 हो रहे हैं। और अब तो भाई व्लॉग कर रहे हैं टेस्ट से पहले, पूछते हैं कि तो खोल पहले खोल भाई। बाहर बारिश एज यूजुअल। कोई अगर आपसे पूछे ना कि यार आपने कितना काम रहना है, आपने सिर्फ इतना काम रहना है कि टेस्ट से पहले ना, टेस्ट से पहले आप व्लॉग करें, क्योंकि जो पहले के टाइम है टेस्ट से और टेस्ट के बाद का टाइम वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन टेस्ट वाले 3 घंटे वो मेरे हाथ में, उसमें हम अपना 100% देंगे। उससे पहले और उसके बाद एंजॉय। वैसे मेरे ये दोनों दोस्त इतना सामान लेकर आए थे जैसे किसी के ब्याह पर आए हों। हाँ ब्याह मतलब शादी। और हमने स्टे रॉयल ब्लू इन होटल में किया था। फ्लैट से निकल कर हम लोग सेक्रेटेरिएट की तरफ गए, यहाँ पर ऑफिस था, और ऑफिस आपको मैं पिछले व्लॉग में दिखा चुका हूँ। ऑफिस पहुँच कर हम लोग कुछ और बन गए। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हैं? नहीं। चलो आप तो आप दुनिया में आने के लिए तैयार नहीं थे। जवाद हसन बसरा को कॉल करो, उन्हें लाइव वीडियो कॉल में लेके आए आप। अस्सलाम वालेकुम, आज है हमारा दूसरा दिन, आज हमारा दूसरा दिन इस्लामाबाद में। ओए यार तू तो बाद आ जा, तू बड़े आराम मौत मना है, तन्नो कुत्ते आने खाने है, तन्नो कुत्ते ही खाने है, तू बाद आ। सब कुछ समझ आ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आज है दूसरा दिन इस्लामाबाद में, आज है हमारे नेक्स्ट का टेस्ट जिस वजह से हम आए इस्लामाबाद में। नेक्स्ट का टेस्ट कुछ घंटे डेढ़ बाद है और हम भी हम वाइप कर रहे हैं लीगल और एटल्स में #111। देख रहे कितना काम और पोलाइट हो, मतलब आई हैव मेड शिट ऑल टुगेदर। यही जज्बा चाहिए हमें, हमें सिर्फ यही जज्बा चाहिए। मुझे 3 घंटे टेस्ट किया ना, बस असल टेंशन उन 3 घंटों में लेनी है, ना उनसे पहले ना उनसे बाद में, ये स्पीड होना चाहिए। और मुझे पता है कुछ लोग गाना तंग कर रहे हैं, उनके फ्यूचर का सवाल है, ब्लॉग बना रहे हैं। यार मेरे ब्लॉग का सवाल है तो मोबाइल बजे, चलो बंद। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फ्यूचर का सवाल है और ब्लॉग बना रहे पढ़ने के बजाय, तो भाईजान इसमें भी फ्यूचर है, बड़ा सोचो। अभी इधर मुझे ताला 2-3 सवाल में देने हैं, सवाल बता दे, हम Q&A करेंगे। पहले सवाल बताओ, Q&A क्वेश्चन आंसर्स। ओह यस, तो फर्स्ट वाले टेस्ट से पहले एक टेस्ट इनका यहां पे होगा। नहीं यार ये इसका आगे डिग्रेड हो रहा है, इधर मैंने 2-3 साल गया था, तो यार राव तूने लास्ट टाइम सेल्फी कब ली थी? ईद पे जो बनाई है, बस ईद पे सेल्फी बनाई है। किसके लिए? ए बॉय, मतलब तस्वीर अपलोड तो नहीं की तूने? नहीं नहीं वैसे अपने लिए सेल्फी बनाई थी। नबील आपने कभी अपने लिए सेल्फी बनाई हो? नहीं नहीं ना बनाई, बनाई नहीं है।
अपने रेंज का बनता भी नहीं, तेरा सेल्फी बनाना बनता भी नहीं। बिल्कुल भी दिल को नहीं ले रही क्योंकि उसके बाद हमें वाला मिल गया। वाला साहब आप अचानक कहाँ से हैं? अच्छा कहाँ से हैं मैं बताओ, इसको नहीं बता लो कहाँ से हैं। तो भाई लोग अभी हम खड़े हैं उस जगह के बाहर जहाँ पर हमारा फ्लैट है। कल वाली जो रेजिडेंस थी ना वो आरजी थी, ये वाली भी आरजी है, ये ज़िंदगी आरजी है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे एक या दो दिन ठहरेंगे इसके, ये वाली परमानेंट होने वाली है, जितने भी दिन ठहरेंगे यहीं पर ठहरेंगे। वाइब चेक कर लें। वाइब छोड़ो और इन्हें देखो, क्या लगता है आपको, क्या कबूतर को ये कबूतरी मिल जाएगी या इसकी किस्मत में भी जलालत के साथ सिंगल मरना लिखा है? मुझे तो सब ब्लर और कंफ्यूज नज़र आ रहा है और कबूतर का कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, कुछ नहीं रखा इस मोहब्बत में, हम तो चले अपने रास्ते। व्यू अच्छा है, व्यू काफ़ी ही अच्छा है, बहुत है ना वाला साहब, दिल गार्डन गार्डन हो गया ना। और ये घूर के आए भाई जान हमारा फ्लेट यार, रूम के सारे पैसे हैं, वाला साहब तो आते ही फ्री हो गए। और ये स्पीकर पूरी रात वाइब करूँगा मैं, आज पूरी सोसाइटी जागेगी। रात को वाइबिंग का प्लान थोड़ा डिले करके हम रौनकें देखने निकले, साथ ही हमें टिकट करवानी थी और खाना भी खाना था। और इस वक्त हम हैं कराची बिरयानी रेस्टोरेंट एंड बारबेक्यू, 24 घंटे सर्विस 24 आवर सर्विस बॉडीज। और खाने के बाद हम हाई होते चले गए और हाई होते चले और हाई होते चले, फिर हमने सोचा कि अब रुक जाए। वी हियर एट सफा मॉल, थोड़ी सी शॉपिंग के बाद हमने वापसी का इरादा किया। और ये जो चचा आपको थोड़ी देर बाद मेरी वीडियो में नज़र आएंगे, ये थे वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज, जिसका हमें बाद में अंदाज़ा हुआ। वी हियर एट लीगल ओरेकल्स #ट्रिपल ओ। तो यार कल से मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन सोच रहा हूँ।